तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड आज की वीडियो आपके लिए फिर से लेटेस्ट एंड धमाकेदार वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट के जो ओपन बॉक्स वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम रिटर्न करने का प्रोसीजर समझेंगे विद लाइव प्रूफ के साथ, विद कस्टमर केयर की कॉल रिकॉर्डिंग के साथ, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर इसके अंदर मेन मेन पॉइंट है, आप कहीं भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं। सेल में चलते चलते लोग बहुत सारे प्रोडक्ट भी बाय करेंगे जो ओपन बॉक्स के अंडर आते हैं। अब जैसे कि देखा जा रहा है कि कम से कम कीमत वाले भी प्रोडक्ट ओपन बॉक्स में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सतर्क हो जाना है कि आपको अगर प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो आपको उसके बारे में पहले ही नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने मंगा भी लिया है तो उसके बारे में हम करेंगे क्या, कैसे इसको रिटर्न करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपके हर एक सवाल के ऊपर एक मुद्दा उठाया है, जिसके ऊपर मैंने आपको यहाँ पर एक कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए मैं आपको समझाऊँगा एंड आपको अच्छे से विद प्रूफ के साथ बताऊँगा कि किस प्रकार आप प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे। तो फ्रेंड जिसकी ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए क्या क्या इन कस्टमर केयर ने आपको बताया है। नीचे से आपने कुछ शर्ट मंगाई है, गलती से आपको टी शर्ट आ गई है, आप ऑन द स्पॉट डिलीवरी पार्टनर को मना कर सकते हैं विदाउट शेयरिंग द ओटीपी। ओटीपी नहीं देनी है आपको, आप पहले मना करिए उनको कि मैं प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता हूँ बिकॉज गलत आ गया है तो मैं रिसीव नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद उनकी तरफ से कैंसिलेशन ओटीपी आती है और कैंसिलेशन ओटीपी से आप मना कर सकते हैं, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी, तब जाकर आप रिफ्रेश यानी कि फ्रेश ऑर्डर प्रूव कर सकते हैं। मैम जैसे कि हमने मान के ले भी लिया और हमको बाद में दो तीन दिन यूज करने के बाद प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे हम? अगर आपने प्रोडक्ट को यूज कर लिया है तो वो तो प्रोडक्ट ऐसे भी ओपन बॉक्स डिलीवरी हो या ना हो वो तो ऐसे भी रिटर्न नहीं हो पाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, जैसे कि दो तीन दिन, जैसे कि हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज मंगाई, जैसे कि आप बोले कि हमने मंगाई उसको तीन दिन चलाया, वो बाद में उसके अंदर कोई खराबी आने लगी, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन पर आपकी तरफ से वो प्रोडक्ट का रिटर्न का रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं हो पाती है, उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट पर ही ऑप्शन आती है, फ्लिपकार्ट पर कॉल करना होगा, उनके पास जो पॉलिसी अवेलेबल होगी, जैसे आपने देखा होगा काफी सारे पॉलिसीज होते हैं, 7 day return, 7 day seller brand replacement, no return, तो जो options available है उसके according से ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि हर एक product का अलग अलग problem होता है, तो उसके according से आपको help किया जाएगा। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया था टी शर्ट जैसे कि हमने मंगाई, उसके ऊपर भी तो 7 days कुछ दिया होता है, उसका मतलब क्या होता है? टी शर्ट पर भी 7 day का रिप्लेसमेंट या रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न रहती है या नो रिटर्न रहती है। मान लीजिए आपने जैसे बताया कि आपने उसे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, फाइन, आप अपने तरफ से भी ट्राई कर सकते हैं रिटर्न फॉरवर्ड करने के लिए, बट अगर आप उसे यूज कर ले रहे हैं तो उसके बाद फिर उसका रिटर्न का रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, जैसे कि हमको पता ही ना हो उसके ऊपर ओपन बॉक्स है कि नहीं, उसके बारे में आप क्या करेंगे? जी, ओपन बॉक्स डिलीवरी के लिए सर देखिएगा, जब किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस करते हैं, माई ऑर्डर के सेक्शन पर आपको एक बॉक्स का ऑप्शन दिखता है, वो एक ओपन बॉक्स की तरह दिखता है, आपने देखा होगा एक लोगो आता है ब्लू कलर की, हाँ जी, और उस पर लिखा भी होता है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट पर ओपन बॉक्स डिलीवरी है। जैसे कि आपका एक ऑर्डर मैं देख पा रही हूँ, ये इंजन ऑयल, ये ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं थी, केवल ओटीपी डिलीवरी थी। हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ जी, तो आप देखिएगा वहाँ पर एक लोगो रहता है ओपन बॉक्स डिलीवरी का। अच्छा मैम, मैम एक और सवाल था, जैसे कि अब हमारे पास जो आपका कुरियर बॉय आया, हमने प्रोडक्ट उनके सामने ली और ओटीपी भी दे दिया, उनके सामने हम ओपन करके देखते तो कुछ आइटम अलग ही मिलता है, तो अब क्या करेंगे हम? बाय चांस अगर प्रोडक्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं है, आप तब की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं मैम, ओपन बॉक्स में है, जैसे कि डिलीवरी बॉय कई बार जल्दी नहीं होता है कि वो हमको ओटीपी दीजिए, फटाफट आप ओटीपी दीजिए, आप प्रोडक्ट को ओपन कर लीजिए, वो ओटीपी अपना सबमिट कर देगा, अब जब हम प्रोडक्ट को ओपन करते तो उसमें से आइटम मतलब अलग निकलता है, तो अब क्या करेंगे हम? ओके, देखिए ओपन बॉक्स डिलीवरी दी ही जाती है, मैं समझ रही हूँ ज्यादा समय कंज्यूम होता है, बट ओपन बॉक्स डिलीवरी दिया है इसलिए ही जाता है ताकि आप सामने पर चेक करें, पसंद नहीं है या फिर सही नहीं आया तो रिटर्न कर दीजिए। अगर डिलीवरी पार्टनर जबरदस्ती अगर आपसे कह रहे हैं कि आप ओटीपी लेकर गए हैं तो इसके बारे में आपको फ्लिपकार्ट से बात करनी होगी। फ्लिपकार्ट की तरफ से अगर आप जेन्युइनली बता रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं थी, जो जो डिलीवरी पार्टनर ने आपको बोला कि आप ओटीपी दीजिए तभी प्रोडक्ट का आप ओपन करिए, सो दैट एंड सो ऑन, उसके अकॉर्डिंग से आपको फ्लिपकार्ट पर भी बताना होगा। फ्लिपकार्ट के एजेंट्स के पास भी वो ऑप्शन आता है कि कंप्लेन रेज कर सके इस प्रोडक्ट के बारे में कि आपको गलत प्रोडक्ट मिल गया है और डिलीवरी पार्टनर आपको गलत तरीके से प्रोडक्ट की डिलीवरी प्रोवाइड की है, उसके लिए भी एक मेंशन किया जाता है सर।
अच्छा, कोई हम मैम जैसे कि रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हैं कोई प्रूफ के लिए, ऐसा कुछ भी? जी, मैं तो सर जब से मैंने ऑर्डर प्लेस करनी शुरू की है तब से मैं हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े प्रोडक्ट का रिकॉर्डिंग रखती ही हूँ ताकि मेरे पास एक प्रूफ रहे। तो मैं तो सजेस्ट भी करती हूँ कस्टमर्स को कि आप रिकॉर्ड करके रखा करिए। अच्छा मैम, जिसकी काम आ सकती है ना रिकॉर्डिंग हमारी? हाँ, क्योंकि सर दूसरे के लिए नहीं, प्रोडक्ट अच्छी आ गई तो वेल एंड गुड, एक मेमोरी बन जाएगी। बट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आप शेयर तो कर सकते हैं आगे कि मेरे पास एक वीडियो अवेलेबल है, और वीडियो कैमरा के सामने अगर सर कुछ भी प्रूफ रहता है तो उसके बाद तो कोई भी उसे इनकार नहीं कर सकती है। हाँ जी मैम। हाँ जी ठीक है मैम। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी, जैसे कि मान लीजिए आप घर पर नहीं है, आपके किसी फैमिली मेंबर ने रिसीव किया प्रोडक्ट, तो आप इसकी डिटेल भी आप कस्टमर केयर पे बता सकते हैं कि मैं घर पे नहीं था, मेरे भाई या बहन जो भी है फैमिली मेंबर्स पर उन्होंने रिसीव किया। तो इस पर सर उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी नहीं पता होता है फैमिली मेंबर्स को कभी कभी कि क्या प्रोडक्ट आया है, तो इसकी जानकारी भी आप कस्टमर केयर पर अगर बताते हैं तो उस पर भी आपको हेल्प किया जाएगा कि रिटर्न का रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करके आपको सहायता प्रोवाइड की जा सकती है। रिप्लेसमेंट होता है वो डिपेंड करता है सेलर के ऊपर कि प्रोडक्ट पर ऊपर सॉरी रिफंड अवेलेबल है या फिर रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, वो डिपेंड करती है पॉलिसीज के ऊपर सर। अच्छा, इसके इसके बारे में उनको पहले जानकारी मिल सकती है कुछ, जैसे कोई ऐसे आप अगर हाँ मान लीजिए कि आप एक शर्ट खरीद रहे हैं अगेन, तो उस पर आप देखिएगा प्रोडक्ट का के नीचे की तरफ पर प्रोडक्ट का प्राइस रहता है, एड्रेस रहती है, 7 डे रिटर्न 7 डे रिप्लेसमेंट सब कुछ मेंशन रहता है। तो रिटर्न का मतलब होता है कि आपको मैक्स टू मैक्स प्रोडक्ट पर रिफंड और रिप्लेसमेंट प्रोवाइड की जाती है ज्यादातर, या एक्सचेंज, वो भी डिपेंड करता है कि सेलर की तरफ से अवेलेबल है या नहीं है। ओके, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है रिप्लेसमेंट, सेकेंड प्रायोरिटी रहती है रिफंड। वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि वो प्रोडक्ट का रिफंड लेना चाह रहे हैं या फिर रिप्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं। ओके मैम, ओके। या फिर वो सेलर की तरफ से निर्भर करता है सर कि कस्टमर क्या चाह रहे हैं और सेलर की तरफ से मौजूद है उस समय पर फैसिलिटी। हाँ जी मैम, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से बताया और समझाया किस किस प्रकार आप चीज़ों से बचेंगे, कैसे कैसे इसको रिटर्न करेंगे, सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दी एंड यहाँ पर विद प्रूफ के साथ ही दी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सोच समझ के संभल कर यहाँ पर शॉपिंग करनी है, क्योंकि अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट को देख कर ही लेना है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर ने भी यही कहा एंड अगर आपको नहीं पता है तो आप पता भी कर सकते हैं कि रिफ़ंड आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपके सामने सचमुच में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कस्टमर केयर के पास वो ऑप्शन आता है, वही आपको रिफ़ंड रिप्लेसमेंट ही करके देगा। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की एंड आपकी हेल्प करने की कोशिश की। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तो फिर फ्रेंड्स, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दिए लाइक एंड वीडियो को इसी करते हैं समाप्त। तब तक के लिए फ्रेंड अपना ख्याल। ओके फ्रेंड, बाय।